नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मौर्या सर मित्र पर। और आज का रेस्क्यू कॉल हमें गाजीपुर जिले के मौथा गांव से। आप लोग देख सकते हैं अभी सर्दी का मौसम है और जो कुहासा यानी कि कोहरा है वो काफी ज्यादा है, जिससे कि हमें गाड़ी चलाने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रेस्क्यू के लिए कॉल आया तो हमें पहुंचना बहुत जरूरी, इसलिए हम लोग बिना वक्त गवाए सीधे मौके पर पहुंच चुके हैं। और चलिए चल के देखते हैं कहां पे और कौन सा साफ है, उसका सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, मतलब एक फ्लोर ऊपर है। और हमें ऐसा लग रहा है कि जो सांप है वो इसी खिड़की के सहारे आया होगा इधर, क्योंकि पीछे खेत और जंगल का एरिया, उधर से आ गया होगा शिकार की तलाश में, भोजन की तलाश में। और आज ये लोग उपले हटा करके साफ सफाई कर रहे थे तो सांप को देखा इन्होंने। और आप लोग देख सकते हैं सांप भी हमें सामने दिखाई दे रहा है। यह एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी कि भारतीय नाग है, जो कि पूरी तरह से इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय है। और इसके निष्क्रिय होने के पीछे की वजह यह है कि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गलन भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सांप ज़्यादा सर्दी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और अक्सर ये सर्दियों के वक्त हाइबरनेशन में चले जाते हैं या फिर कहीं मिट्टी के नीचे या फिर किसी ऐसे गोबर के उपले वगैरह में छुप जाया करते हैं जहाँ पर इनको सर्दी कम से कम लगे और ये सर्दी के बाद ही बाहर निकला करते हैं। लेकिन आज घर की साफ सफाई में ये बाहर निकल गया और सर्दी के वजह से ये पूरी तरह से इनएक्टिव पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मर चुका है लेकिन अभी ये जिंदा है, इसके अंदर जान बाकी है। नहीं, इसको कपड़े में लगे, अरे केचुल उचुल नहीं भैया, इसको केचुल उचुल निकाला हुआ है, केचुल माता नहीं है, चमक रहा है, देख नहीं रहे एकदम, दिख रही है चमक रहा है, केचुल नहीं इसके शरीर में, नहीं कोल्ड ब्लड होते हैं ना, खतरनाक एकदम ठंडा वाला, हम लोग हिल जा रहे तो इसे भी, तो ऐसे भी छोटा सा जीव ठंडी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं सब ये सब। एकदम से रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, एकदम रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, एकदम ठंडा हो गया होगा ना, बर्फ के जैसा। इसको ये है कि बैग में रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जब हीट हो जाएगा, जब अच्छे से सही हो जाएगा तब इसको रिलीज किया जाएगा, क्योंकि छुपने के लिए स्पेस ढूंढ रहा था लेकिन मिला नहीं इसे। एक मिनट रुक जाए, मुझे सेट करने दीजिए। गर्मी दिया जाता है, उसी में पैक कर दीजिए और बैग में डाल दीजिए, खुद ही हीट हो जाएगा, सर्दी इसका खत्म हो जाएगा। उसमें डालिए, जब धूप पूरा अच्छे से निकलेगा तब इसको रिलीज किया जाएगा, ऐसे नहीं रिलीज करेंगे नहीं तो खत्म हो जाएगा। इसी को वापस मोड़ के डाल दीजिए इसमें, हाँ डबल लेयर हो जाएगा तो थोड़ा हीटिंग हो जाएगा इसको। बस उसको बांधेंगे नहीं, बस इसे डाल दीजिए। इस सांप को काफी ज्यादा सर्दी लग चुकी थी जिससे कि इसकी स्थिति काफी ज्यादा नाजुक हो गई थी, इसके बचने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर थी। इसलिए हमने आखिरी ट्राई किया, हमने इसको
घर पहुंचते ही ब्लोअर के सामने रखा है ताकि इसको कुछ गर्म हवा लगेगी और इसको जो सर्दी लगा है उसमें रिलीफ मिलेगा, इसके बॉडी को थोड़ा हीट मिलेगा जिससे कि ये रिकवर कर पाए और शायद इसकी जान बच जाए। तो हमने इसको काफ़ी देर से दूर से रख करके गर्म हवा दिया ताकि इसको डायरेक्ट कोई नुकसान भी ना पहुंचे और धीरे धीरे इसके पास का टेम्परेचर गर्म हो और ये थोड़ा एक्टिव हो जाए। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा, ये पूरी तरह से इनएक्टिव था, मतलब बिल्कुल भी चल फिर नहीं रहा था, ना तो हिल रहा था। लेकिन हीट देने के बाद अभी हम लोग इसकी स्थिति देखेंगे, इसके स्वास्थ्य में कोई सुधार आया या फिर नहीं आया, तो आप लोग खुद सामने देखेंगे। यहाँ पर हम लोग शाम को बाहर निकाल रहे हैं और देखते हैं इसकी क्या स्थिति है। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, सांप के स्वास्थ्य में कुछ कुछ सुधार जरूर आया है। ये पहले तो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था, लेकिन अभी फिलहाल ये चल रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे ही बाहर कुछ देर तक और गर्म हवा के सामने रखेंगे ताकि इसके स्वास्थ्य में और भी ज़्यादा सुधार हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं इसके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। हमने इसको लगभग लगभग 10 मिनट तक गर्म हवा दिया, उसके बाद हमने इसको बैग से बाहर निकाला और इसके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो गया। ये चल फिर रहा है, ये हिलडुल रहा है और हमें इस बात की खुशी है कि अंततः काफी ज्यादा मेहनत के बाद हम लोग इसकी जान बचाने में सफल रहे। अभी हम लोग इसको कुछ और देर तक इस गर्म हवा के पास छोड़ने के बाद इसको बैग में वापस से पैक कर लेंगे ताकि इसको सर्दी ना लगे, और जैसे ही धूप निकलता है, मौसम अच्छा होता है, हम लोग इसको ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर देंगे जहाँ पर ये अच्छे ढंग से रह लेगा और अच्छे ढंग से सर्वाइव कर लेगा। आपको भी कभी भी कोई भी ऐसा जीव दिखे जो जिसे लगे कि नहीं सर्दी से वो परेशान है, हाँ, लेकिन वो सांप नहीं रहना चाहिए। वो अगर नॉनवेनमस जीव रहता है, कोई चिड़िया या कोई ऐसा जीव जिसको लगता है कि सर्दी इसको लग चुकी है और सर्दी से परेशान है, तो आप लोग उसको गर्म हवा के कुछ दूर पर रख करके इस तरह से उसको वार्म कर सकते हैं जिससे कि उसकी जान बचाने में मदद मिलेगी, वरना वो सर्दी से भी मर सकता है। फिलहाल हम लोग इसको वापस इसी बैग में पैक कर देते हैं और जैसे ही मौसम खुलेगा, धूप होगी, हम लोग इसको ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे जहाँ पर ये अपने लिए नया स्थान ढूंढ लेगा और अच्छे ढंग से सर्वाइव कर लेगा और अपनी बाकी की जिंदगी जी पाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा एक्टिव हो गया, मतलब लगभग हमने आधे घंटे तक इसको गर्म हवा के पास रखा और ये बहुत ज्यादा फुर्तीला हो गया, अभी इधर उधर भी भागने का ट्राई कर रहा है। तो हम लोग इसको इसी बैग में वापस से पैक करेंगे ताकि इसको सर्दी ना लगे और ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। अभी कुछ टाइम बाद इसको हल्का हीट और देके फिर जब धूप हो जाएगा तब इसको रिलीज किया जाएगा, हाँ, धूप में, ताकि अपने अनुकूलित अपने हैबिटेट में अच्छे से, नेचुरल हैबिटेट में। और जैसे ही मौसम थोड़ा साफ हुआ दिन के वक्त, हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके। आप लोग देख सकते हैं ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, यहाँ पर ये अपने लिए नया स्थान ढूंढ लेगा और अच्छे ढंग से सर्वाइव कर लेगा। आप लोग देख सकते हैं ये जंगल का ही एरिया है, यहाँ पर सांप अच्छे ढंग से रह लेगा और अपने छुपने के लिए स्थान भी ढूंढ लेगा जिससे कि इसको सर्दी से बचने में मदद मिलेगी और ये अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे ढंग से जी पाएगा। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लिए कमेंट करके जरूर देगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।